सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाही। माया मोह परम पह पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद, चलितर चतालीवा चाव पई। बनया एक ओढ़ शेर हई, अधिक दरब जागे जग कहई। तिलक मंजरी ताकी नारी, चंद्र लई जाते उजियारी। बनया एक ओढ़ शेर हई, अधिक दरब जाके जग कहई। तिलक मंजरी ताकी नारी, चंद्र लई जाते उजियारी। गुरु प्यारी साह संग जी, आप जी सरवण कर रहे हो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की महान रचना, श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पावन गुरबाणी, श्री चरित्रों पाख्यान की लड़ी वार विचार। सो सतगुरु जी की अपार रहमत अति बख्शिश दे नाल, जो 43 चलित्र हैं, विचार सह सब संपूर्ण हो चुके ने। सो अज सतगुरां की कृपा दे नाल 44वां चलित्र उहदी विचार करनी है। आओ बड़े प्यार दे नाल 44वें चलित्र की विचार करना करिए जी। चाओ पई बनया एक ओढ़ शेर हई, अधिक दरब जाके जग कहई। तिलक मंजरी ताकी नारी, चंद्र लई जाते उजियारी। सतगुरु जी फरमान करते हैं कि उस मंत्री ने अपने राजे नूं एक होर जो बद चलन इस्त्री उहदी गल करदिया होया आखन लगा कि हे राजन, ओडिशा नगर दे विच एक बाणिया वपारी रहिंदा सी, उहदे कोल बहुत सारा धन दौलत सी। उहदी इस्त्री सी जिसका नाम सी तिलक मंजरी। वो इतनी सोहने सरूप वाली सी कि मानो चंद्रमा ने भी उहदे कोलों चानण प्राप्त किया होवे। दोहरा एक तहां राजा रहै अमित तेज की खान, चंद्र सूरज हिरिस करें अधिक आप दे जान। उत्थे उस नगर दा एक बहुत ही तेज वाला एक राजा रहिंदा सी, जो बहुत ही सोहने रूप दा मालक सी, ते जिस दे सोहने रूप नूं तक के चंद्रमा ते सूरज भी ईरखा करिया करदे सी कि साडे नालों कितना सोहना है, ये साढ़े नालों भी अधिक सोहने स्वरूप का मालक है। चाओ पई सोत्रिया निरख राय शबे अटकी, पूल गई सब ही हुद कटकी। अधिक नेह राजा सौ ठान्यो, तां कह पवन आपनो आन्यो। वह स्त्री उस राजे की सोहनी सुंदरता नूं वेख के उहदे उपर मोहित हो गई। उसनों अपने आप की सारी सुध ही भुल गई कि मेरा तो पहला भी विआह होया है, मेरा परिवार है, मेरा पति है, तो मैं अपने धर्म तो उल्ट जा रही हाँ। इन्हां गल्लां की खबरसार उन्हों बिल्कुल भी ना रही। इतना उसनों काम ने बेसुरत कर दिता, तो उसने राजे नाल बहुत सारा प्रेम किया। वो राजे नूं अपने घर दे विच बुला लैंदी सी, तो उहदे नाल काम कलोल करदी सी। वीर केत सो भोग कमायो, अधिक हृदय मह सुखी उपजायो। चिमट चिमट तां सौ रत करी, पांत पांत के पोहगन करी।
उस राजे का नाम सी बीरकेत। बीरकेत राजे ना मिल करके उस स्त्री तिलक मंजरी ने जो बाणी थी घरवाली सी उसने बड़ा उहदे नाल मिल करके भोग विलास किया। मन दे बहुत खुश हुई ते उहदे नाल मिल करके अनेकां प्रकार दे नाल इसने भोग विलास किया ते अपने जो मन दी खुशी सीगी जो काम दी क्रीड़ा सी वो पूरी कीती। केल करत निरपसोपत आयो बड़े संदूक बिखै तेह पायो आप नात सौ बचन उचारे सुनो बैन तुम पी प्यारे। एक दिन जिस तरह की रोजाना ही अपने पति नु छड़ के एक राजे ने पराए मर्द ना मिल करके भोग विलास करती सी रोजाना दी न्याई करती पई सी कि एक दिन दा पति जड़ा सीगा वो घर दे विच आ गया। स्त्री ने उसनु बचाउन वास्ते एक वड्डे संदूक दे विच राजे नु पा दिता ते बाहरों जिंदरा लगा दिता। चाबियां अपने हाथ विच फड़िया हुई सी ते वो अपने घर वाले नु आखन लगी कि हे मेरे प्यारे पति मेरी गल ध्यान दे नाल सुनो। दोहरा जार हमारो चोर तब या संदूक के माहे शोर अबै एह देखिए कहो सो वाहे कराहे। स्त्री आखन लगी कि हे मेरे प्यारे पति मेरा यार ते तुहाडा चोर आखन लगी तुहाडा चोर है जो तुहाडे घर दे जाके नित चोरियां करदा है वो इस संदूक दे विच बंद है। तुसी संदूक नू खोल के उन्हें वेखो ते जो तुहाडा मन करे उस ना कर सकते हो। चाहो पई सुन नृपा दिक त्रास तिन तारे हो आज नार मोको इन मारे हो शोर संदूक हमें गह लै है काढ़ कृपान भये बद कह है। राजा ये सुन के बड़ा घबरा गया। उन्हें सोचा कि ये स्त्री तो हुण मैनू खत्म कर देवेगी ये संदूक दे विचों मैनू बाहर कढ के फड़ लैणगे ते फिर कृपान दे नाल मैनू खत्म कर देणगे। कुंजी डार शाह ढिग दीनी दवै कर जोर बेनती कीनी जार संदूक शोर लख लीजै मोह बतिया कर साच पतीजै। स्त्री ने जिहड़ी चाबी सी वो अपने घर वाले बाणिए नू फड़ाई दोवें हाथ जोड़ के आखन लगी कि हे मेरे पति तुसी मेरे प्रेमी नू संदूक खोल के वेखो ते मेरियां गल्लां नू सच करके जानो मैं सच आख रही हाँ। दोहरा जब संदूक शोर न लगा लै कुंजी कह हाथ बहुर त्रिया ऐसे कहा बचन पिया के साथ। जिस वेले उदा घर वाला बाणिया कुंजी हाथ च लैके संदूक खोलन लगा तां उस स्त्री ने अपने पति नूं रोकिया ते आखन लगी पहला मेरी एक गल तां सुन लवो। चाहो पई दूहूं हाथ ता के सिर मारी गही शाहो मत सगल तहारी जो या सो मैं भोग कमै हाओ तो कहो किहे भांत बतै हाओ। वो स्त्री आखन लगी कि मेरे पति जी वो अपने पति दे मत्थे उपर दोवें हत्थां दे नाल उसने सट मारी। आखन लगी हे शाह जी तुहाडी मत मारी गई है जेकर मैं किसी पराए मर्द नाल भोग विलास करांगी तां की मैं तुहानू इवें दसांगी कि मैं उहदे नाल भोग विलास कीता तां उसनू संदूक च मैं बंद कर छड्डिया है कि ये गल्लां मैं तुहानू दसांगी जेकर मैं करांगी ते। दोहरा ऐसे बचन बखान कर मूर्ख दिया उठाए बाहर राय सौरत करी हृदय हरखे पजाए। ते ये गल सुन के उहदा घर वाला सोचण लगा भी गल तां ठीक है जेकर ये मैनू छड के किसी पराए मर्द नाल इस प्रकार करेगी तां की ये मैनू दसेगी नहीं इस करके ये सच्ची है। मैं तां एवें ही परेशान कर रहा सी। उहदियां गल्लां विच आ के उस मूर्ख ने उहदे गल्लां दे विच आ करके होर कमी लग गया समां पा के वह बाहर चला गया ते इस्त्री ने राजे नूं फिर संदूक दे विचों बाहर कढ़िया ते बड़ी खुश हो के उहदे नाल प्रेम करन लग पई। नृप सो केल कमाए कर गृह कह दियो पठाए
ਬਹੁਰ ਸੁਖੀ ਹਵੈਪੁਰ ਬਸੀ ਸ਼ਾਹੋ ਲਯੋ ਗਰ ਲਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਮਾਤਰ ਵੀਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਡਿਆ, ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕਲੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੁਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ 44ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸਮਾਪਤਮ ਸਤਿ ਸੁਭਮ ਸਤਿ ਆਪਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਪਖਿਆਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ 44ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ 44ਵਾਂ ਚਰਿੱਤਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਮਖਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੋ ਲੱਖਣੀ ਕੁਨਾਰ ਪਿਰ ਘਰ ਛੋਡਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਐਸੀਆਂ ਬਦਚਲਨ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਐਸੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਚਲਣ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤ੍ਰਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤਿ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।